अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ आपका मेज़बान मुरीद हुसैन। आज हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से। पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से तबाहकुन हलाकतें जारी हैं और लाखों के करीब कोरोना से मुतासर मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, आप अपना पड़ोसी मुल्क भारत ही देख लें, जिसमें डेली की बुनियादों पर 2 से 3 लाख मरीज कोरोना से मुतासर हो रहे हैं और डेली हज़ारों के हिसाब से हलाकतें हो रही हैं। इस कोरोना से बचाव का एक ही तरीका है, वो है एहतियाती तदाबीर, जिन पर हम अमल करके इससे बच सकते हैं। और इसकी सबसे जो अहम तदाबीर है वो है मास्क का इस्तेमाल। बात करें जंड शहर की, तो इस वक्त 25 से 30% लोग जंड में मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 10% वो लोग हैं जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी महकमों में कोई ना कोई काम होता है, तब वो मास्क का इस्तेमाल करते हैं, वरना वो मास्क उनकी जेबों में पड़ा रहता है। अब तो हुकूमत पाकिस्तान और पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स बार बार यही तंबीह कर रहे हैं कि खुदा रा मास्क का इस्तेमाल करें, और हमें भी चाहिए कि हम SOPs पर अमल करके अच्छे शहरी होने का सबूत दें। खुदा रा एहतियात करें, जाहिल मत बने। आपकी नदानी आपकी, आपके ख़ानदान की, आपके मोहल्ले की, आपके शहर की, हत्ता के पूरे पाकिस्तान की हलाकत का सबब बन सकती है। इस आखिरी बात के साथ ही इजाज़त चाहूँगा कि एहतियात बाद के इलाज और पछतावे से बेहतर है। अल्लाह हाफिज़।